मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता दिवस के मौके पर सीएम ने सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान उनके साथ सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया भी मौजूद रहे। सीएम ने 55 गोदामों का लोकार्पण और 114 गोदाम बनाने का शिलान्यास किया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज ने सहकारी समितियों के सदस्यों और किसानों से संवाद किया। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि सहकारिता के तत्व हमारी गरिमामय संस्कृति में बिखरे हुए हैं। मध्य प्रदेश प्रकृति पर्यावरण पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यटन के क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि सहकारिता भारत की जड़ों में है, हमारा विशाल हृदय है, हम का भाव है, हमारा संयुक्त परिवार सहकारिता है। एक चूल्हे पर 100 लोगों का भोजन तैयार होता है। सब समस्याओं का समाधान इसकी जड़ में है, सहकारी भाव। अगर ये आ जाए तो दुनिया में सारे झंझट ही खत्म हो जाए, झगड़े समाप्त, उथल पुथल खत्म। चीन आंखें दिखाना छोड़ दे, अमेरिका गुर्राना छोड़ दे, ये मूल है। सहकारी भाव, मिलकर जिएंगे। उसके सफलतम कई प्रयोग मध्य प्रदेश ने किए। अभी हमारी पैक्स है। मैं मानता हूं कि किसानों का सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है तो हमारी ये प्राथमिक सहकारी संस्थाएं हैं गांव की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक सम सहकारिता के बारे में हम लोगों ने प्लान किया है। अन्य राज्यों में सम सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कुछ प्रगति हुई है। इसके लिए प्रदेश में संगठित सम संघ की स्थापना की जाएगी, जो बिना टेंडर के ₹2 लाख तक के कार्य को संपादित करेगी। इसके लिए केवल निर्माण विभाग और अन्य विभागों में भी की नीति में ₹2 लाख तक के कार्य सहकारी क्षेत्रों के माध्यम से करने की नीति बन जाएगी, तो इससे प्रदेश के श्रमिकों को संगठित संरचना बनेगी तथा श्रमिक वर्ग को हम अधिकतम रोजगार दिला सकते हैं, अधिकतम रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। इसका भी एक अच्छा ब्लूप्रिंट हमारे सहकारिता विभाग के हम सब लोग बैठ के